मान लो कि मेरे पास है एक ऋण साइन वर्ग थीटा और इसमें गुणा है थीटा. तो इसे अगर मैं सरल करना चाहूं तो कैसे करूंगा अब साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा से तो मुझे एक सर्व समीका याद आती है जो है कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है एक के अब यहां पर हमें दिया गया है कॉस वर्क ठीटा जो यहां अकेला है और यहां पे एक दूसरा पद है जो है एक ऋण साइन वर्क ठीटा तो अगर मैं दोनों तरफ साइन वर्क थीटा से घटा दूं तो यहां तो साइन वर्क ठीटा कट जाएगा और यहां आ जाएगा एक ऋण साइन वर्क ठीटा तो हमें क्या मिलेगा तो इसके बाद हमें मिलेगा कि जो कॉस वर्क ठीटा है वो बराबर होगा एक ऋण साइन वर्क ठीटा के तो इस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए हम इसे थोड़ा सा सरल कर सकते हैं अब यहां पे देखो तो मेरे पास दो उपाय हैं या तो मैं कॉस वर्क ठीटा को लिख दू एक रिन साइन वर्क ठीठा या तो मैं एक रिंग साइन वर्का को लिख दू कॉस वर्क ठीटा तो अगर हमें सरल करना है तो इस बड़े पद को हम छोटा कर देते हैं तो यहां पर ये यह जो एक रि साइन वर्क ठीटा है इसे हम बदल रहे हैं कॉस वर्क ठीटा से तो ये वाला जो व्यंजक है ये बदल जाएगा एक रिंग साइन वर्क ठीटा की जगह हम लिख रहे हैं कॉस वर्क ठीठा और उसमें गुणा है यहां पर कॉस वर्क ठीटा अब यहां पे cos वक थीटा गुणा कौश वक थीटा ये बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos की घात चार थीटा तो ये तो सरल हो गया चलो एक और व्यंजक लेते हैं तो यहां पे मैं लेता हूं साइन वर्ग थीटा और हर में मैं ले लेता हूं एक ऋण साइन वर्ग थीटा अब क्यों ना वीडियो को यहां रोककर तुम इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर हम इसे साथ में करते हैं तो यहां पर हमें दिया गया है साइन वर्क थीटा बटा एक ऋण साइन वर्क थीटा और हमने अभी अभी देखा कि जो एक ऋण साइन वर्क थीटा है वो तो कॉस वर्क थीटा होता है तो यहां है इसे हम बदल देते हैं कॉस वर्क थीटा से तो ये व्यंजक कैसा हो जाएगा ये व्यंजक हो जाएगा यहां पर अंश में तो हमें मिलेगा साइन वर्क ठीटा और हर में हमें मिलेगा एक रिंग साइन वर्कटा की जगह जो हम लिख रहे हैं तो यहां पर कॉस वकस वर्क हम जानते हैं कि साइन बटा होता है टेन, तो वर्क थीटा, बटा वर्क थीटा जो है वो हो जाएगा टेन वर्क ठीटा तो ये वाला व्यंजक भी सरल हो गया चलो एक आखिरी उदाहरण लेते हैं तो यहां पर मैं एक और व्यंजक ले लेता हूं समझो कि मैं ले रहा हूं यहां पे कॉस वर्का और इसमें जोड़ देता हूं मैं एक धन साइन वर्ग थीटा अब यहां पर मैंने ये एक धन साइन थीटा को एक ही रंग से लिखा है लेकिन यहां पर हमें एक रिट साइन बारे में कुछ पता है एक धन साइन थीटा के बारे में नहीं पता है लेकिन अगर तुम जरा यहां ध्यान दो तो यहां पर हमारे पास है साइन वर्ग थीटा धन कॉस थीटा जो होता है एक तो यहां पर भी देखो तो यहां पर साइन वर्ग थीटा है और यहां पर धन वर्ग थीटा भी है और ये दोनों मिलके जुड़ के हो जाएंगे एक तो हमें क्या मिलेगा हमें ये जो है ये बराबर मिलेगा यहां पे साइन वक्त ठीक धन कॉस जो होगा एक और साथ ही साथ यहां पे ये वाला एक तो है ही तो ये भी यहां जुड़ जाएगा तो हमें मिलेगा एक धन एक यानी हमें उत्तर मिल जाएगा सरल हो के दो तो ये वाला व्यंजक भी सरल हो गया तो तुमने देखा कि इस एक सर्व समीका से हमने कितने सारे व्यंजक को सरल किया